पाकिस्तान में इस समय पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2024 का खुमार छाया हुआ है। इस लीग में एक से बढ़कर एक मुकाबले खेले जा रहे हैं। इन मुकाबलों के बीच 2020 सीजन की विजेता फ्रेंचाइजी कराची किंग्स के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल न्यूजीलैंड के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज टिम साइफर्ड कराची किंग्स के साथ जुड़ गए हैं। वह अब इस सीजन में कराची के बचे सभी मुकाबले में खेलते नजर आएंगे और मंगलवार को स्क्वाड के साथ जुड़ गए हैं। टिम साइफर्ड के पास T20 फॉर्मेट का लंबा अनुभव है। अपने करियर में वह 197 मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान T20 फॉर्मेट में उनके बल्ले से 4162 रन निकले। साइफर्ड एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ऐसे में वह आने वाले दिनों में अपने बल्ले से पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा धमाका करना चाहेंगे। PSL में कराची किंग्स का प्रदर्शन अब तक मिला जुला है। टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें 2 मैच में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल 4 अंकों के साथ कराची किंग्स चौथे स्थान पर काबिज है। कराची किंग्स को इस सीजन अभी तक अपनी एकमात्र हार मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मिली थी, जिसमें टीम ने 55 रनों से मुकाबला गंवाया था। अब टीम को बुधवार इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मुकाबला खेलना है। इस मुकाबले के लिए कराची की टीम जमकर तैयारियां कर रही है। टिम साइफर्ड इस मुकाबले में कराची के लिए एक्शन में नजर आ सकते हैं। इस मुकाबले के बाद कराची को 29 फरवरी को क्वेटा एलीट थिएटर्स के साथ, 3 मार्च को मुल्तान सुल्तान के साथ, 6 मार्च को क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ, 7 मार्च को कराची किंग्स के साथ, 9 मार्च को लाहौर कलंदर्स के साथ और 11 मार्च को पेशावर जालमी के साथ 11 मार्च को पेशावर जालमी के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबला खेलना है। इन सभी मुकाबलों में टीम साइफर्ड कराची किंग्स के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। साइफर्ड का बल्ला अगर चला तो कराची किंग्स के लिए आने वाले मुकाबले में जीत आसान हो सकती है।